खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। डियर फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग इन यू, देयर इज समथिंग इन यू दैट द वर्ल्ड नीड। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर हादी ऑन द टॉपिक ऑफ खुद को कीमती बनाए। मोहतरम साज़े इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस मौजू पर आपके सामने इजहार ख्याल का मौका मिला है, वो है खुद को कीमती बनाएं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कीमती इंसान के अंदर किन सिफात का होना लाजिम है। एक कीमती इंसान ईमानदार हो, अपनी और दूसरों की इज्जत का मुहाफिज हो, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा रखता हो। ये दुनिया उन लोगों को नफा देती है जो इसके अहम नहीं होते हैं। जिस तरह कुछ लोग तिजोरियों में खजाना छुपाते हैं, इसी तरह बेशुमार लोग हस्तियों की याद का खजाना अपने दिलों में छुपाए फिरते हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि जिन लोगों ने इस दुनिया की खिदमत की, इस दुनिया में मोहब्बत बांटी और अमन का दस्त दिया, उनके नाम आज भी जिंदा है। तमाम बनी हुए इंसान को अगर इंसान होने पर फख्र है तो वो इन्हीं अजीम शख्सियत के कारनामों की वजह से है। यही है मुरव्वत, यही दीनो ईमान, यही है मुरव्वत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। शुक्रिया।